में घुसघुस के स्टूडेंट को मारा जा रहा है। रोड पे जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं काम, स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं कि उनके साथ न्याय होने चाहिए, तो उन्हें मारा जा रहा है। तो ये शर्म वाली बात है कि आज वो लोग इतने तानाशाह हो चुके हैं कि वो लोग हॉस्टल में घुसघुस के मार रहे हैं। कौन क्या किया है नहीं किया है, इस तरह से वो लोग साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो जो होंगे उनके ताह उम्र नौकरी नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि साफ तौर पर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ को बंद करो, अपनी आवाज़ मत उठाओ। सुप्रीम कोर्ट से मैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जांच करावे कौन दोषी है, किस परिस्थिति में देश का नौजवान गणतंत्र दिवस के दिन रेल पटरी पर उतरने का काम किया, रेल पटरी पर झंडा फहराने का काम किया, और यहाँ के पुलिस, बिहार के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस लॉजों में घुस करके उन्हें एक उग्रवादी की तरह, आतंकवादी की तरह मारने का काम किया है। अगर सरकार गलती किया है तो जो भी निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज किया है, जो लाठी चार्ज करने वाले हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करने का काम करे, उन पर केस करने का काम करे, उन पर मुकदमे। लाठी कौन चलवाया, उनके घर दरवाजे को, उनके कोचिंग में रहने वाले छात्रों को, जो हॉस्टल लॉज में रहने वाले छात्र हैं उसमें पुलिस भेज करके कौन पिटवाया, कौन मुकदमा कराया, उन्हें आतंकवादी उग्रवादी, उन्हें प्रदर्शनकारी होते हुए उन्हें गाली गलौज कौन दिया, ये सारी बातें, उन पे मुकदमे कौन किया, उन पर जेल कौन भेजा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के डाक बंगलो चौराहा पर और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज जो छात्रों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, बिहार बंद बुलाया था, वो पटना के और बिहार के तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके साथ बिहार की अनेक बड़ी पार्टियाँ हैं जो छात्रों का समर्थन करने के लिए आज रोड पर आई हैं। और उन सभी का कहना है कि RRB NTPC परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो रेलवे बंद करे। रेलवे जिस प्रकार से अचानक एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है और उसके बाद करोड़ों छात्र उस नोटिफिकेशन को लेकर बौखला जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, रेलवे ट्रैक तोड़ने लगते हैं। और ऐसे में जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी बिहार की, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे चल के जानते हैं कि छात्रों का जो ये मुद्दा है, क्या ये सिर्फ RRB NTPC का छात्रों का ही मुद्दा है या उन तमाम बेरोजगारों का मुद्दा है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे रह जाते हैं और वैकेंसी निकलने का इंतजार करते रहते हैं। आप लोग आज बिहार बंद बुलाए थे और ऐसे में दिख भी रहा है चक्का जाम है, लोग आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दा है? RRB NTPC का जो मुद्दा था वो तो कल रेलवे ने क्लियर कर दिया कि हम 16 फरवरी तक छात्रों का सुझाव लेंगे, 4 मार्च तक हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब रेलवे ने आश्वस्त कर दिया है कि छात्र जो मांग चाहते हैं वो पूरी होगी, तो आज बिहार बंद फिर क्यों? और रेलवे ने बस आश्वासन दिया है, ठीक है, और ये जो डेट लिया जा रहा है मार्च तक का, ये पता है क्यों हो रहा है? ये बस 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, बस इसको कि वो इजीली हो जाए, अच्छे से हो जाए, बस इसलिए ये इस बार भी खेल खेला जा रहा है। ये जब भी जो मोदी जी है अपने, जब भी उन्हें चुनाव जीतना होता है तो ऐसी तरह की मनभड़ंग बातें बनाते हैं, रोजगार को ही वो टारगेट कहते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता यही देते हैं कि रोजगार होगा, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने पूरे हर साल देने की बात की थी, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया, उल्टे उन्होंने क्या किया, पूरे देश को बेचने का वो प्लान बना लिया है। रेलवे बेच रहे, बैंक बेच रहे, सब कुछ मतलब वो बेचने में लग गए हैं। तो ये सब जो है साजिश है, बस इसलिए है कि चुनाव को अच्छे से शांतिपूर्ण करा लिया जाए। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हॉस्टल में घुस के स्टूडेंट को मारा जा रहा है। रोड पे जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं काम, स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं कि उनके साथ न्याय होने चाहिए, तो उन्हें मारा जा रहा है। तो ये शर्म वाली बात है कि आज वो लोग इतने तानाशाह हो चुके हैं कि वो लोग हॉस्टल में घुस के मार रहे हैं। कौन क्या किया है नहीं किया है, इस तरह से वो लोग साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो जो होंगे उनके ताह उम्र नौकरी नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि साफ तौर पर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अपनी आवाज को बंद करो, अपनी आवाज मत उठाओ, इस तरह से हम करेंगे। तो जब इन लोगों को सत्ता में आने रहता है तो मीठे मीठे लुभावने वादे करते हैं, समझते हैं? मतलब कि अभी जिस प्रकार से रेलवे ने तुरंत फैसला लिया, रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो अभी एक्टिविटी दिखाई गई है छात्रों के प्रदर्शन के बाद, ये सिर्फ चुनाव के लिए है? बिल्कुल चुनाव के लिए। आप चुनाव के बाद देख लीजिए, चुनाव हारने के पहले का ये बात है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट अपनी बात को रख रहे हैं, उन्हें डंडों से मतलब बरसाई जा रही है, जबरदस्त डंडे बरसाए गए, पथराव हो रहा है, जेल में पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है, हॉस्टलों में घुस घुस के मारा जा रहा है। तो आप सोच
सोच लीजिए चुनाव हो गए फिर सरकार बन गई तो फिर क्या होगा। बस ये हथकंडे अपनाए गए हैं ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कर लिया जाए। इसमें अब टीचर्स का भी लोग सहयोग लेने लगे हैं। अब टीचर को डरा रहे हैं या टीचर को खरीद लिया है मुझे ये नहीं पता। अब टीचर्स ने भी पहले छात्रों को उग्र कर दिया, रोड पे ला दिया, उसके बाद से फिर उसके बाद अपनी टांग खींच ली। ये कहना है कि खान सर जैसे और जितने शिक्षक हैं जिनका असर छात्रों पर पड़ता है, क्या वो सरकार से मिलजुल कर रह गए हैं या सरकार के दबाव में आके बोल रहे हैं कि छात्रों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्या कहना है? जी सरकार से वो मिल गए तभी तो रातों रात इस तरह का वीडियो जारी करने का क्या मतलब है, आप खुद मुझे बताइए। अगर ये वीडियो जारी करना था तो पहली बार जब छात्रों ने रेल रोका था तभी ये वीडियो वो जारी करते, अगर छात्र मित्र में वो सोचते तो। लेकिन नहीं, अभी भी उनको सुर्खियों में आनी थी, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे, लोगों के बीच आना था, अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और लास्ट मुद्दे पर जब आज 28 तारीख को आज इतना बड़ा आंदोलन होने वाला था तो वो अपनी टांग पीछे बस अपने बचाव के लिए और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। तो ये खान सर एक बहुत अच्छे टीचर नहीं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में वो पक्का चुनाव लड़ेंगे, आप देख लेना। और ये इस तरह से स्टूडेंट्स को गुमराह करेंगे और उनका वोट लेंगे, स्टूडेंट्स को भी ये समझना होगा। आपने सुना किस प्रकार से इनका साफ कहना है, ये जन अधिकार पार्टी की थी, क्योंकि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने छात्रों का समर्थन करने के लिए आज बिहार बंद को कायम मनाने के लिए वो सड़क पर उतरे हैं। और ऐसे में जन अधिकार पार्टी के और भी नेतागण यहाँ पे हैं, इनसे चल के जानते हैं कि इनका क्या कहना है। छात्रों का ये साफ कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो किया वो उनके साथ गलत किया, लेकिन रेलवे ने कल एक फरमान जारी की कि जो भी बातें की गई थी उसको वो वापस लेते हैं, छात्र जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो आज फिर ये आंदोलन क्यों? ठीक है, वापस जब सरकार ने और रेलवे ने अपनी गलती मान लिया तो क्यों फिर एफआईआर करने का काम किया? अगर गलती माना है तो मेरी मांग है, मेरी पार्टी की मांग है कि आप जो भी छात्रों पर नौजवानों पर एफआईआर करने का काम किया है उसे आप वापस करें। शिक्षकों पर भी एफआईआर, जिस जो भी चाहे छात्र हो, शिक्षक हो, युवा हो, कोई भी, अगर जिस पर एफआईआर किए हैं, जिन पर जिनको गिरफ्तारी किए हैं उनको बेशर्त आप रिहा करें। तो क्या आप चाहते थे एनटीपीसी के छात्रों के लिए है या उन तमाम बेरोजगार छात्रों के लिए है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में घर बैठे? मैं तीन बात आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा रेल मंत्री जी को। रेल मंत्री जी, आपके बयान में दुविधा है, द्वंद है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सारी बातें मान लेंगे और आपने एक नोटिफिकेशन भी निकाला, मैं पूछता हूं कि उसी के साथ आपने ये कह दिया कि जो छात्र आंदोलन किए हैं उनको आगे रोजगार नहीं मिल सकता है, उन पर मुकदमे लाठी कौन चलवाया, उनके घर दरवाजे को, उनके कोचिंग में रहने वाले छात्रों को, जो हॉस्टल लॉज में रहने वाले छात्र हैं उसमें पुलिस भेज करके कौन पिटवाया, कौन मुकदमा कराया, उन्हें आतंकवादी उग्रवादी, उन्हें प्रदर्शन कारी होते हुए उन्हें गाली गलौज कौन दिया, ये सारी बातें, उन पे मुकदमे कौन किया, उन पर जेल कौन भेजा, शिक्षकों पर मुकदमे लगातार, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, ये कौन किया? रेल मंत्री जी, आपका बयान सबसे बड़ा विवादाभास है, यहाँ स्पष्ट नहीं होता है। आप जब कॉमनिक निकाले, तर्क पर चलिए, जब कॉमनिक निकाले कि हर एक कैटेगरी में 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, फिर किस परिस्थिति में, कौन सी एजेंसी के दबाव में, कौन बिचौलिया माफिया या दलाल के माध्यम के दबाव में आपने 10 गुना 11 गुना रिजल्ट दिया, जबकि आपका कॉमनिक, आपका गजट, आपका प्रतिज्ञा कहता है कि हमें 20 गुना रिजल्ट देना है। आप 20 गुना रिजल्ट देते छात्र, कोई दिक्कत नहीं था। और जो नौजवान एक ही छात्र का पीजी और यूजी के जो छात्र हैं उन्हीं को आप 10-10 रोल जगहों पर, 5-5 जगहों पर कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर स्कैम के तौर पर था, स्कैम था। 5 व्यक्ति की कमिटी आपने बना दिया, 5 मार्च का डेट तय कर दिया। क्या डर था सरकार की तरफ से? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री हो, उसके बाद ही आप देश के सत्ता में बैठे पार्टी के नेता हो। पहले छात्र, पहले देश, पहले इस देश की जनता, उसके बाद पार्टी। आपको देश हित में चलना है, ताकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उस पर चलना है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी छात्र आज सड़क पर है, आप किसान से हारे हैं, इस बार अब छात्र और नौजवान से भी हारना पड़ेगा, क्योंकि इसी छात्र आंदोलन की कोख से
उत्पन्न आंदोलन की आप उपज हैं। आप सत्ता में यदि बैठे हैं तो सन 71-72 का वो आंदोलन तत्कालीन सरकार के खिलाफ छात्रों ने अंगड़ाई ली थी, उसी में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तमाम नेता पैदा लिए थे, उन पर लाठियां चल रही थी तो बहुत खराब था। अब ये लाठियां बरसा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा होगा। तो क्या आप चाहते थे कि लोग रोड पर उतरे, छात्र रोड पर उतरे, रेल को जलाने का काम करे? जब पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तब छात्र रेल पटरी पर राष्ट्रीय गीत गाकर झंडा फहरा रहे थे, यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? हमने मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, सुप्रीम कोर्ट से, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं निवेदन करता हूं कि आप जांच करावे कौन दोषी है, किस परिस्थिति में देश का नौजवान गणतंत्र दिवस के दिन रेल पटरी पर उतरने का काम किया, रेल पटरी पर झंडा फहराने का काम किया, और यहाँ के पुलिस, बिहार के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस लॉजों में घुस करके उन्हें एक उग्रवादी की तरह, आतंकवादी की तरह मारने का काम किया है। अगर सरकार गलती किया है तो जो भी निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज किया है, जो लाठी चार्ज करने वाले हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करने का काम करे, उन पर केस करने का काम करे। अच्छा, मतलब कि ये बात अब सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों की नहीं रह गई है, बात बेरोजगार, उन लाखों बेरोजगार छात्रों की बात रह गई। देखिए, सरकार का यह दायित्व और कर्तव्य है कि हर वर्ष किसी न किसी विभाग में पद रिक्त होता है। यह सरकार का जिम्मेवारी और जवाबदेही है कि पद रिक्त होने के पहले उस पद को भरने के लिए बहाली निकाले। आज सरकार चार माह, छह साल आप बहाली नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? किसकी जिम्मेवारी है? आज लाखों पद आज खाली है, क्यों खाली है, यह किसकी जिम्मेवारी है? आप क्यों नहीं, जब भी पद खाली हो रहा है उसके पहले आप वैकेंसी निकालते, पद रिक्त होते होते पद भर जाता तो आज इतना बेरोजगार लोग नहीं होते। आज बेरोजगारी की जो आलम है यह सरकार के कारण है। इसलिए जितने भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के हो, जितनी भी वैकेंसियां हैं, जितनी भी पद रिक्त हैं, उनको आप वैकेंसी निकाले, लोगों को तत्काल रोजगार देने का काम करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जो सड़क पर लोग उतरे हैं उनका सवाल कई है, कई सवाल ऐसे हैं जो वो सरकार से पूछ रहे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या बिहार बंद, जिस प्रकार से बिहार के सभी जिलों में आज चक्का जाम किया गया है, बिहार की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ इस छात्र के आंदोलन को समर्थन देते हुए आज सड़क पर उतरी है, क्या इसका कोई असर देखने को मिलता है? क्या सच में केंद्र सरकार इस पर फिर से फैसला लेती है? हालांकि आपको पता होगा कि रेल मंत्री ने कहा है कि तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। देख सकते हैं किस प्रकार से जो जो सड़क पर लोग उतरे हैं उनका सवाल कई है, कई सवाल ऐसे हैं जो वो सरकार से पूछ रहे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या बिहार बंद, जिस प्रकार से बिहार के सभी जिलों में आज चक्का जाम किया गया है, बिहार की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ इस छात्र के आंदोलन को समर्थन देते हुए आज सड़क पर उतरी है, क्या इसका कोई असर देखने को मिलता है? क्या सच में केंद्र सरकार इस पर फिर से फैसला लेती है? हालांकि आपको पता होगा कि रेल मंत्री ने कहा है कि जो छात्र चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी ये आंदोलन अब सिर्फ एनटीपीसी आरआरबी के छात्रों का बनकर नहीं रह गया, इन ये जो आंदोलन है ये उन लाखों
बेरोजगारों का है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे रह जाते हैं, वैकेंसियां आती हैं, एग्जाम आते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, तो उन सभी छात्रों के जीवन का बात हो गया है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद।